ना नमक नमक कैन बी डिस्क्राइब्ड एज यू नो जो पर्सनल चीज़ें होती हैं जैसे मेरे लिए नमक रेप्रजेंट मनी इट रेप्रजेंट्स जस्ट द करेक्ट अमाउंट ऑफ यू नो एवरीथिंग इन लाइफ टेस्ट बिल्कुल uh, पतिव्रता तो होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी उनकी उनका दिल कोई कुछ और चीज़ चाहता नहीं या कहीं आपकी ज़िंदगी में जो कमियाँ होती हैं आप वो किसी और तरीके से पूरा नहीं करना चाहते आई एबसोल्यूटली आई एब्सोल्यूटली थिंक द पीपल मस्ट वॉच ऑल सिटी क्योंकि उनके खुद के फैमिलीज में जितने यू नो मुतभेद होते होंगे आई थिंक अ लॉर्ड ऑफ दोस्त कैन गेट अड्रेस्ट एंड रिजोल्व पोल डांसिंग बहुत ही डिफिकल्ट होता है भाई जितना खूबसूरत लगता है ना ऐसा लगता है कि हाँ लड़कियाँ ऐसे कैसे घूम रही हैं इसके ऊपर मैंने पूरा दिन शूट किया उस पर चढ़ के उतरना चढ़ के उतरना चढ़ के उतरना लिटरली

रेप्रजेंट्स मनी इट रेप्रजेंट्स जस्ट द करेक्ट अमाउंट ऑफ यू नो एवरी थिंग इन लाइफ टेस्ट इट रेप्रजेंट्स लाइफ बिकॉज वी ऑल नीड सॉल्ट टू सर्वाइव लेकिन uh, जो लोग जिनके एक्सपीरियंसिस उतने अच्छे नहीं होते हैं, uh, वो सोचेंगे कि सॉल्ट से uh, जंग भी लग जाता है चीज़ों पर सॉल्ट से नमी भी आ जाती है यू नो मॉस भी हो जाता है सो ऑल दो थिंग्स आर ऑल अबाउट परसेप्शन इन लाइफ एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट सॉल सिटी डील्स विद एक फैमिली के बारे में है वाजपाई फैमिली जो कि बिलोंग करते हैं लखनऊ को लेकिन मुंबई में सेटल्ड हैं बीस पच्चीस साल से और तीन बेटे हैं एक बेटी है सबसे बड़ी बेटी की बहू है आई मीन बीवी है जो कि है मैं गुंजन जिसका मेरा जो किरदार है वो सबसे बड़े बेटी की बीवी है और एक और बहन है जो कि है वाजपेयी की जो वाजपेयी जी के जो भाई हैं उनकी बेटी होती है जो गुज़र चुके होते हैं तो इट्स यू नो ज़िंदगी में फैमिलीज़ में कोई भी कभी भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है कब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में यू you नो know, तनाव आते हैं लोग एक दूसरे को गलत समझते हैं एक दूसरे के बारे में कॉम्पिटिशन आ, आ जाता है एक दूसरे के यू you नो know, थोड़ी नफरत होने लगती है वहीं प्यार भी होता है अंडरस्टैंडिंग भी होती है टॉलरेंस भी होता है बिकॉज़ कई बार आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ गेट लॉन्ग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आप उन आपको उनके साथ जीना पड़ता है तो आप सीखते हैं अडजस्ट कैसे करना है अडेप्ट कैसे करना है सो so, यही कहानी है इट्स अ फैमिली ड्रामा एंड इट डील्स विद पीपल्स कॉम्प्लेक्सिटीज़ और uh, जो इंटरपर्सनल रिलेशंस के प्रॉब्लम्स uh, आते हैं अच्छाई आती है इट्स द गुड बैड एंड अगली अगली ऑफ फैमिली बेस्ड इन मुंबई I absolutely love my character Gunjan because Gunjan is somebody who uh, I instantly uh, connected to. Not because I am like her, but because it's so real. I'm like लाइक हाँ लोग ऐसे होते हैं ज़रूरी नहीं है कि सभी यू नो सिर्फ एक ही ट्रैक के होते हैं या बिल्कुल पतिव्रता तो होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी उनकी उनका दिल कोई कुछ और चीज़ चाहता नहीं या कहीं आपकी ज़िंदगी में जो कमियाँ होती हैं आप वो किसी और तरीके से पूरा नहीं करना चाहते सो शी इज़ वेरी रियल एंड आई लाइक दैट अबाउट गुंजन एंड शी इज़ ऑफकोर्स शी नोज शी इज़ ब्यूटिफुल शी इज़ कॉन्फिडेंट शी इज़ ऑल ऑफ दैट बट एट द सेम टाइम शी इज़ ऑल्सो अ फैमिली पर्सन वो अपने हस्बैंड के करियर को उसके, उसके आगे रखती है uh, उसके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए वो <clears throat> कुछ भी कर सकती है और वही वो अपने आ, फैमिली के रिश्ते भी निभाती है मतलब अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ को भी इज्जत देती है अपने देवरों के साथ भी ठीक रहती है अब उसमें क्या क्वर्क है और वो क्यों छेड़खानी करती है वो तो आपको शो आ, देख के ही मालूम पड़ेगा बट आई लव गुंजनस कैरेक्टर हमेशा से आपको अलग अलग किरदार में देखा है लेकिन आप किस तरीके का किरदार पसंद करती है क्योंकि आ, कोई भी कहानी हर किसी फैमिली को एक मैसेज देती है दिस हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज सॉल्ट सिटी में एक बहुत ही अमेजिंग मैसेज है uh, कि कई बार सीक्रेट्स uh, होते हैं फैमिलीज़ में जो कहीं दबे हुए होते हैं कोई उसके बारे में बात नहीं करता कोई एड्रेस नहीं करता एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को जाने समझें उनकी प्रॉब्लम्स के साथ डील करें ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसे ही अपने बच्चों को बड़ा करें या यू you नो know, बिल्कुल वैसे ही आप आ, आपने जो सपने देखे जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे वही सपने पूरे करें उनके भी अपने सपने हो सकते हैं सो आई थिंक इट डील्स विद ऑल दोज प्रॉब्लम्स एंड आई एब्सल्यूटली आई एब्सल्यूटली थिंक पीपल मस्ट वॉच सल सिटी क्योंकि उनके खुद के फैमिलीज में जितने यू नो मुतभेद होते होंगे आई थिंक अ लॉर्ड ऑफ दोज कैन गेट अड्रेस्ट एंड रिजोल्व कुछ नया सीखा है पोल डांसिंग बहुत ही डिफिकल्ट होता है भाई जितना खूबसूरत लगता है ना ऐसा लगता है कि हाँ लड़कियां ऐसे कैसे घूम रही हैं इसके ऊपर इट्स ऑल ऑन योर ओन स्ट्रेंथ मतलब आपके थाइज हैं जो वो पोल को पकड़ रहे हैं आपके हाथ हैं जिससे आप वो वहां पर लड़के हुए हैं तो मुझे न्यू फाउंड रिस्पेक्ट है फॉर ऑल पोल डांसर्स इन द वर्ल्ड बिकॉज आई डोंट थिंक उनके जैसा फिटनेस का लेवल uh, किसी का भी होगा सो so, मैंने लिटरली सिर्फ दो या ढाई घंटे ट्रेनिंग ली होगी दो दिन में बिकॉज आई थिंक एक एक घंटा एक दिन और दूसरा दिन दूसरा घंटा बट uh, 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 जिन्होंने मुझे सिखाया uh, उनको भी हैट्स ऑफ और जैसे मैंने कोशिश की लिटरली शूट के बाद बिकॉज uh, वो पूरा जो पोल डांसिंग का सीक्वेंस था वो एक दिन में शूट हुआ था एंड पोल डांसर्स खुद uh, एक घंटे से ज़्यादा पोल पर नहीं रह पाते बिकॉज उनका टाइम फ्रेम ही वो होता है मैंने पूरा दिन शूट किया उस पर चढ़ के उतरना चढ़ के उतरना चढ़ के उतरना लिटरली बाय द एंड ऑफ इट बट आई माई था बिकॉज मेरे इनर थाइज ब्लैक ब्लू पर्पल हो चुके थे तो ये भी एक एक्सपीरियंस है एंड आई होप जितनी मेहनत की है उतना ही लोगों को पसंद आए अब इस बार भी नजर आई सो वो कैसा रहा नहीं मैं वहाँ पर एक्चुअली कैन फेस्टिवल में फिल्म uh, फेस्टिवल में नहीं गई थी लेकिन मैं कैन फेस्टिवल में के ठीक बाद मतलब एक या दो दिन बाद आई वॉज देयर टू होस्ट अ वेडिंग इट द फर्स्ट इंडियन वेडिंग एट द कैन थिएटर सो बहुत मज़ा आया uh, मैंने तो मज़ा उठा लिया वहाँ का तो आई होप कि अगली बार फिल्म फेस्टिवल के लिए भी जाऊँ इन शरीके साथ आपको काम करने में आ, कैसा...

पीयूष um, जी नवनी जी सबसे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला ईशा इज़ सो मच फन तो बहुत मज़ा आया आने वाले दिनों में आप किस तरीके का किरदार निभाना चाहती है। चाहती तो मैं बहुत कुछ हूँ बट <laughs> um, uh, इस साल आई थिंक मेरा एक्शन भी एक्शन रोल भी लोगों को दिखेगा बिकॉज एक बहुत बड़ा शो आ रहा है जिसमें मैंने बहुत सारे स्टंट्स किए हैं तो uh, वो भी आ रहा है लेकिन आई थिंक अ लव स्टोरी जहाँ पर um,

I just love you back. I love you so much. Zindagi mein um, uh, bus be on the right path, spread love. Don't concentrate on the hate that is being fed to you and just be cool.